हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया है जिसमें 15 क्वेश्चंस करवाए थे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस और पटवारी का एक बेस्ट क्वेश्चन मैं हमेशा आपके लिए लेके आऊंगा। इसमें मैंने एक क्वेश्चन जो आपका पटवारी का बेस्ट क्वेश्चन है वो लिया है। सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज अगर आपको बाय करना है तो हमारा जो रॉयल स्टडी ऐप है आप वहां से बाय कर सकते हैं। ये हमारी कुछ टेस्ट सीरीज है और ये आपका करंट अफेयर्स वगैरह की पीडीएफ है। आप बाय करना चाहें तो रॉयल स्टडी ऐप पर एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट के साथ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपका बेस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं अपन, पटवारी का बेस्ट क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले नहीं किया है तो आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। और ये आपको इस क्वेश्चन आपका जो है पुलिस आरक्षक में भी देखने को मिल सकते हैं, और कोई भी एग्जाम जो आपका एमपी में होती है वहां पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सेम कंडक्टिंग एजेंसी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। आप क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त की परिधि AC, कौन सी AC, ये आपका परिधि मतलब एक आपका क्या है ये, आप यहाँ पे एक चीज और बना लीजिए, ये आपका इससे नहीं बनेगा, ठीक है इससे बना लेते हैं, ठीक है ये भी नहीं दिखेगा इसके ऊपर, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ये इसके केंद्र से होके जा रहा है, ठीक है, यानी O से होके जा रहा है, ये चीज मिस हो गई थी, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। AC क्या है, इसका व्यास एक और ED इसके एक समांतर जीवा खींची गई है, ठीक है, ये दोनों समांतर है, पैरेलल इसको बोलते हैं। यदि आपको एक एंगल दिया हुआ है CBE 65 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप। और आपको बताना है DEC, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ साइड में। जैसे कि एक जीवा ये है, मान लीजिए ए बी एक जीवा है, अब ये कहीं भी जैसे कि एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है मान लीजिए यहाँ पर थीटा, तो ये कहीं भी परिधि पे एंगल बनाएगी ना आपका, तो ये हमेशा थीटा होगा, कहीं भी बनाए चाहे यहाँ पे बनाए, ठीक है, ये हमेशा थीटा होगा। यानी सेम जीवा द्वारा परिधि पे एक साइड बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, थीटा होते हैं, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक ही आर्क द्वारा अगर सेम साइड पे एंगल बन रहा है तो हमेशा सेम बनेगा, यानी इक्वल बनेगा। अब मैं ये चीज़ यहाँ क्यों समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे अपन कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले इसको यहाँ से मिलाएंगे, देखिए मैंने ये मिलाया और इसको मिलाया, ठीक है, इन दोनों को मिलाया। अब अपने को चाहिए क्या, ये वाला एंगल चाहिए। और एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, जब भी अर्धवृत्त बनता है, यानी अर्धवृत्त में अगर कोई भी त्रिभुज बनता है, जैसे ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हमेशा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा 90। तो यहाँ पे चीज़ काम आएगी आपको, देख लीजिए ये आपका अर्धवृत्त है, O से पास हो रही है, ये वाला आपका देखिए ये पूरा एंगल 90 बन रहा है, बना पेन कलर से बताता हूँ आपको, ये वाला पूरा एंगल 90 बनता, ये 90 होता, तो ये वाला 65 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 25, ये आपका 25 हो जाएगा। अब मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे, अब अपने को चाहिए कौन सा एंगल, DEC, ठीक है, DEC। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कि आपका AE जो आर्क है, कौन सी वाली आर्क है, ये वाली आर्क दिख रही है आपको, AE आर्क, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ये वाला लेते हैं एक बार, ये वाली आर्क, इस वाली आर्क से आपको दिख रहा होगा कौन सा वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, देखो दिखा कितना बन रहा है 25 डिग्री, कितना बन रहा है 25 डिग्री। अभी यार मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक चीज बताई है कि सेम आर्क द्वारा जो आपका परिधि पर एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल बनता है। इसी आर्क द्वारा मैं एक और बात बताता हूँ, देखिए आप ढंग से, इससे नहीं दिखेगा शायद आपका, इसे दिखाने की कोशिश करेंगे, एक काम करते हैं रेड से दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये आपका इसी आर्क द्वारा यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, याद हो देखिए ये वाला एंगल सेम आर्क है, इस आर्क द्वारा सेम ये भी आपका बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, 25 डिग्री, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी आर्क द्वारा दो परिधि पे एंगल बन रहे हैं, दोनों 25 डिग्री के हो गए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी AE आर्क द्वारा एक तो B पे एंगल बन रहा है और AE आर्क द्वारा जो आपका C पे एंगल बन रहा है, दोनों हो गए 25 डिग्री के।
अब आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन होती है जेड बनता है तो ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल होते हैं जो आपका 71 अंतर कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 25 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से किया है मैंने। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले इसको सब कुछ क्लियर कर देते हैं फिर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है एक जीवा द्वारा सेम साइड पे जो भी एंगल बनते हैं वो इक्वल बनते हैं, यानी ये वाला अगर आप ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ठीक है, यानी सारे एंगल कितने हो जाएंगे आपके थीटा थीटा थीटा। पहला कॉन्सेप्ट ये समझाया मैंने आपको। दूसरा ये क्लीन कर देते पूरा, दूसरा कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया आपको, यानी एक अर्धवृत्त में अगर कोई भी एंगल बन रहा है जैसे कि ये अर्धवृत्त है यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो ये हमेशा कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अलावा मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश करी मैंने क्या करा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा, यहाँ से इसको मिलाया, ठीक है, और इसको यहाँ से मिलाया। मैंने अभी बताया आपको कि ये पूरा जो ट्राइंगल है कौन सा वाला, एक बार फिर से कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको, हाईलाइटर से बताता हूँ। ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा ये एक 65 है तो ये आपका हो जाएगा पूरा 90 होता है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब आपको मैंने अभी बताया था ए आर्क द्वारा, यानी ये वाली आर्क जो है इसके द्वारा परिधि पे आपका कितना 25 डिग्री बन रहा है, सेम ए आर्क द्वारा ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पेन जो चला रहा हूँ मैं, सेम आर्क पे एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब मैंने आपको अभी बताया एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी 25 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको एमपी पटवारी का क्वेश्चन करवाया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 441 का 21%, मैं लिख देता हूँ ये 441 का 21%, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे नीचे और इसको 2.1 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। प्लस लगाया मैंने 169 इंटू 17, परसेंटेज हटाया जीरो बढ़ाया और ये आपका 17, ठीक है। इसको सोल्व करना यहाँ पे आप एक दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा तो 21 से आपका 21 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 44.1 और इधर आपके पास आ जाएगा 17 से 17 कट जाएगा 1.69, इन दोनों को जोड़ लीजिए बस। अब तो आपका हो जाएगा 1.69 को इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9740.79, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड ओनली, सब कुछ क्लियर है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है 42 का, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 का 55%, दोनों को दशमलव आपका परसेंटेज हटाया जीरो बढ़ाया मैंने, ठीक है, इंटू 12,000 ये आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5/17 इंटू 442, ठीक है। सोल्व करना है, 00 से 00 कट गई, 10 से आपका 0 कट गई, हम यहाँ से काट लेते हैं 5 × 10 और ये आपका 11 और ये आपका 2×12, ठीक है। तो ये आपका हो गया है आपका 66 × 42 इधर वाला और ये आपका हो गया है 17 × 34 17×102, ठीक है, ये आपका हो गया है ये वाला। अब अपनों को चाहिए आंसर क्या आना चाहिए देखते हैं। मुझे यूनिट डिजिट आपका लास्ट में 2 दिख रही है तो 02 से काम हो जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 6×12 यहाँ पे भी 2 आएगा और जैसे ही आप यहाँ पे गुणा करेंगे 5×30 पीछे 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट आपका 02 वाला आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इस टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना होता है ताकि आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन को कम टाइम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ एक बार से, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं, ठीक है, क्लियर तो है फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये लिखा हुआ है 25 और 25, आपको डिवाइड करना है इसको 25 से और 100 × 100 आपका ये दिया हुआ है प्लस 15, इसको इतना सोल्व कर लेते हैं फिर बाकी का सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे काटना स्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा
वन टाइम जीरो वन जीरो वन, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है वन टू थ्री फोर जीरो प्लस फिफ्टीन। पहले मैं इतना क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है। तो ये आपको बच जाएगा यहाँ पे 101 प्लस 50 और ये आपका हो जाएगा 151, ठीक है। मैंने इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, अब बचा हुआ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ये वाला, यहाँ से इसको थोड़ा करते हैं क्लीन ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भाग लगाऊंगा तो ये आपका 101 फिर 0, ठीक है, ये आपका जाएगा, जस्ट वेट फॉर वन सेकेंड, में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो, 20 20 20 और ये आपका 20 हो गया, ये आपका हो गया 1 2 3 4, चार जीरो आ जाएंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप, ये वाला पोर्शन अलग चल रहा है आपका इधर वाला, ठीक है, आपका यहाँ पे माइनस में चल रहा है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आप 101 01, ठीक है, ये आपका हो गया, और यहाँ पर बस 1 2 3 4 0 है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 101 बचा है, तो मैं यहाँ पे माइनस का 101 घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इन दोनों पोर्शन को अलग अलग सोल्व किया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए, ठीक है। ये आपका ये वाला जो पोर्शन है ये इधर वाला पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है नीचे गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया हुआ है, वंदना के स्कूल में 3600 बच्चे हैं जिसमें जो आपका 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बतानी है, तो 3600 में 60% लड़के हैं तो बच्चे हुए लड़कियां होगी, और 40% तो 40% को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, काट देता हूँ, 36 चौक कितना होता है आपके पास 144, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप एक बार खुद से भी गुणा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन दिया हुआ है तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, तीन लगातार विषम संख्या कौन सी होगी, मैं बताता हूँ आपको, x माइनस टू, एक्स और x प्लस टू, ये आपकी तीन लगातार विषम संख्याएं हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, का औसत, ठीक है, औसत कौन सा, बीच वाला हमेशा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये आपका औसत हो गया, एवरेज हो गया, लगातार इसलिए एवरेज बीच वाला आता है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का एक तिहाई से 48 अधिक, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपके पास, एक्स प्लस टू, क्या हो गई, एक्स प्लस टू का वन थर्ड से 48 अधिक, ये मैंने लिख दिया, जो क्वेश्चन ने बोला है आपका जो है औसत के बराबर है, ठीक है, नहीं औसत के बराबर है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना, बस पूछा आपसे सबसे छोटी संख्या बताने तीनों में, तो ये मेरा पास हो जाएगा, कैसे सोल्व करेंगे, एक्स प्लस टू और ये आपका पास हो गया, आपका कितना हो गया 8 24 एक 144 और इधर आ गया आपके पास 3x और ये आपका आ गया है 146 इज इक्वल 2x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 73, x की वैल्यू 73 आ गई, अपने को सबसे छोटी संख्या चाहिए यानी x माइनस टू की वैल्यू चाहिए, तो मैं जैसे ही 73 रखूंगा x की जगह माइनस टू करूंगा तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 71, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है 71, ठीक है, और एवरेज पूछता तो 73 हो जाता और बड़ी संख्या पूछता तो 75 हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इनको करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सिंपल है, आपको लैंग्वेज समझना होता है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है, 2/5 होगा, देखिए ये आपका मूलधन है 5 रुपये और कितने साल में ये 2 रुपये हो जाएगा, मतलब इस पे ब्याज 2 रुपये मिल जाएगा, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस 5 को यानी इधर वाली संख्या को 100 बनाऊंगा ताकि वो जल्दी काम हो जाए, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, ठीक है, 8% दिया हुआ है, तो मैं इसको 100 बनाऊंगा सबसे पहले, तो यहाँ पे 20 का गुणा कर दूं, तो यहाँ आपके पास 20 5 100 होता है यानी ये 100 हो गया, अब इधर भी 20 का गुणा करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 40। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8% है, आप चाहें तो 100 रुपये मान के भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने मूलधन पी मान लिया 100 रुपये, मैं आपको वो तरीके से करके बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको जो सबसे शॉर्ट मेथड है उससे करके बताता हूँ, 100 रुपये ये आपका, अभी 60% को उधर भेजूंगा तो ये आपका जाएगा 5 भाग लगाएंगे तो 40, यानी 5 साल में ये आपका 2/5 गुना हो जाएगा, ये एक शॉर्ट तरीका है। अब मैं आपको जो बेसिक मेथड है उससे करके बताता हूँ, मैंने पी मान लिया ये मूलधन मान लिया 100 रुपये,
और मूलधन का 2/5। अब 2/5 निकालूंगा इसका, है 2/5 करूंगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 40 रुपये। यानी आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया 40 रुपये। अब आपके पास सारी चीजें, रेट आपको दे रखा है 8%। अब आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, एस आई बराबर क्या होता है आपका, पी इंटू आर इंटू टी इज इक्वल अपॉन 100। ये आपका 40 दिया हुआ है, पी आपका 100 है, आर आपका 8 है, टी आपको निकालना है और 100 रहेगा। ये आपका हो गया, ये आपका 8 × 5 = 40। ठीक है, यानी टी की वैल्यू 5 यहाँ से भी आ गई। मैंने आपको सीधा एक तरीका बताया है कि आप हमेशा इस साइड वाले पोर्शन को 100 बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा जो चीज़ें कैलकुलेट होती है वो 100 पे होती है। आई होप ये आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे और दोनों तरीके सवाल भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कक्षा में 200 छात्र हैं, इनमें से कुछ छात्र शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं। यदि 75% शाकाहारी हैं और 45% मांसाहारी, तो दोनों कितने हैं, मतलब जो आपका दोनों में कॉमन है वो कितने हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये आप मान लीजिए पूरी क्लास है, ये 100% बच्चे हैं, कितने हैं 100%। इसमें ये जो है 75%, ये 75% आपके शाकाहारी हो गए, और 45% जो है आपके, ये आपके 45% जो हो गए आपके मांसाहारी हो गए, ये आपके शाकाहारी हो गए और ये आपके मांसाहारी हो गए। ठीक है, तो इसमें दोनों में कुछ भाग कॉमन आ गया है। आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 से कुछ ज़्यादा चला जाएगा। देखिए आप 75+45 जोड़ेंगे, 120 आ गया। यानी ये जो भाग है दोनों में कॉमन हो गया, यानी 20% ऐसे लोग हैं जो आपके क्या हैं, मांसाहारी भी हैं प्लस शाकाहारी भी हैं, और आपसे वही पूछा है दोनों कितने हैं। तो 200 का 20% कितना होगा, 40। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को किस टाइप से डील करना होता है, और मैंने आपको समझा भी दिया दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो संख्याएं 34 और 37 के अनुपात में, यानी 34 और आपका एक्स मान लीजिए इसको, अब मैं मान लेता हूँ जैसे कि एलसीएम आपको दिया हुआ है, ये एलसीएम एससीएम का सवाल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 3774 और एचसीएम अपन मान लेते हैं इसका एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया 37/x, और इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको पता होगा। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, 3774 इंटू एक्स। ठीक है, एक एक्स से आपका एक एक्स कट जाएगा। अब आप काट लीजिए, यहाँ से काटना स्टार्ट करता हूँ, 37 एकम 37, भागना जाए उसके शून्य, और 37 × 44 सॉरी 74, यानी 34x अभी भी बचा हुआ है। अब इसको एक बार काट लेते हैं, 17 से काट लेते हैं, 17 × 102 और 17 × 34 2x बचा है, यानी x की वैल्यू आ गई बस 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब गुणा कर लीजिए, 34 में 3 का गुणा कर लेता हूँ मैं, और 37 में भी 3 का गुणा कर लेता हूँ मैं, तो 4 × 3 = 12, जिसके पीछे 2 आए, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 2 × 3 = 6 सही आ रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है संख्याएं याद करना है, 7 × 21, और ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे और 1 यूनिट डिजिट, आप खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पे पीछे यूनिट डिजिट 2 आएगी और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आएगी, 2 और 1 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आपको चीजें समझ में आती होगी, यूनिट डिजिट, डिजिट सम, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में बेनिफिट करने के लिए होती है, कम टाइम में आप क्वेश्चन को किस टाइप से डील करेंगे वो सारी चीजें सिखाने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया हुआ है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने काम स्टार्ट किया और 20 दिन काम कर लिया, कितने दिन काम कर लिया, 20 दिन काम कर लिया, बचा कितना काम है, दोनों मिलकर कहते हैं 10 दिन का काम बचा था, 10 दिन का काम बचा हुआ है, और बी ने काम छोड़ दिया, ए ने अकेले काम किया, बचा हुआ 10 दिन का काम ए ने अकेले ने किया है, किसने किया है, ए ने अकेले ने, और कितने दिन में किया, 20 दिन में। अगर ये पूरा काम, पूरा ही काम ए करता, ये कौन कर रहा है, ए कर रहा है अभी, अगर पूरा ही काम ए करता, यानी 30 ही काम, यानी यहाँ पे 3 का गुणा कर दूं मैं, 30 ही काम ए करता तो कितने दिन में कर लेता, 60 दिन में कर लेता, एक पूरा काम 60 दिन में करता है। तो आपने बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना था। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या, ए ने शेष काम अकेले 20 दिन में किया, तो
आपका शेष काम बताना था, ठीक है? तो शेष काम बचा हुआ था 20 दिन में कर लेता, ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो ये अकेला उस काम को 60 दिन में कर सकता है, शेष काम नहीं, ये अकेला पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? तो 60 दिन में कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। एक बार और बता देता हूँ, ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कर रहे थे, 20 दिन तक उन दोनों ने काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है? 10 काम बच रहा है। ये 10 काम मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये काम 10 जो है ये कितने दिन में कर रहा है? ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए 20 दिन में कर रहा है। अब पूरा काम अगर ए करता, यानी 30 ही काम ए करता, तो कितने दिन में कर लेता? यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया मैंने दोनों साइड, तो 60 दिन में कर लेता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब दिया हुआ है पूर्णांक ए बी सी के लिए, यदि आपका एचसीएफ दिया हुआ है, ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ दिया हुआ है 1, और बी और सी का एचसीएफ दिया हुआ है 1, तो आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो कोई भी आप संख्या मान लीजिए, या तो एक काम कीजिए, जैसे मैंने मान लिया 2 3 का एचसीएफ भी एक आता है, और 3 5 का एचसीएफ भी एक आएगा। तो उसने पूछा है कौन सा सत्य हो सकता है, ए इंटू बी सी, क्या ए आ सकता है? रख के देख लेते हैं, अपन ए को 2 माना है, 2 × 15 का एचसीएफ ए आ सकता है क्या? 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फिर दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, सी आ सकता है क्या? सी यानी आपका 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। बी आ सकता है? नहीं आ सकता। आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप एचसीएफ मान रहे हो, जिनका एचसीएफ एक आ रहा है, वो हमेशा बाकी सारी संख्याओं का एचसीएफ भी एक ही आएगा। आप खुद से उठा के चेक कर लीजिए वैल्यू पुट करके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप खुद से चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है? ए यानी 2, और ये आपका 5 × 15 का एचसीएफ कितना होगा? एक होगा, ठीक है? 2 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? एक ही होगा, बाकी कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सी नंबर सीरीज दी हुई है आपको, देख लेते हैं। 6 9 12 15 और 18, मुझे क्लियर दिख रहा है कि 3 दिन का गैप है। 21 बहुत सिंपल नंबर सीरीज थी, ये मैथ्स में दी हुई थी इसलिए मैंने ले ली। 3 दिन का गैप है, +3 +3, और यहाँ पे भी +3, और ये भी आपका +3, ठीक है? यानी +3 +3 का गैप चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, इसका बेस मैंने आपको समझाया था, और इसका एक एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप एक बार देखिएगा जरूर, उससे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी छोटा आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसका परिमाप दिया हुआ है, यानी एस दिया हुआ है, सेमी पेरीमीटर, परिमाप जिसको बोलते हैं, 20। और क्षेत्रफल बताना है आपको, तो मैंने आपको कल एक तरीका बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें आर इंटू एस, ये आपका एस नहीं है, ठीक है? ये परिमाप है, पूरा है, आप लोगों को सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है यहाँ पे। तो ये आपका आर 4 दिया हुआ है, और इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी 2 का भाग लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अर्ध परिमाप का गुणा करते हैं, परिमाप का नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप का कल भी क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, उसमें थोड़ा और अपर लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। इसके अलावा मैंने आपको एक सर्कम रेडियस वाला फॉर्मूला भी बताया था, अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या दी हुई, तो परिवृत्त की त्रिज्या में आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी या त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 × आपका परिवृत्त की त्रिज्या। यह भी मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, उसके यहाँ पे भी एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, एक पहिए की परिधि दी हुई है, परिधि क्या होती है आपका? परिधि मतलब ये बाहर वाला भाग, ठीक है? ये वाला भाग, ये 2πr की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है? तो यहां से काट लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, और 22/7 रख देता हूँ यहाँ पे, (r = 50), इसको एक बार और काट लेते हैं, ये आपका 25 × 7, ये आपका 25 × 150 175/11 आ गया। तो यहाँ पे आपका लगभग आया 11 × 11, लगभग 6 बचा, 11 × 5 55, 15 point something something ऑप्शन में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 point something आएगा, यानी 15.9 मान लीजिए आप इसको। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना था इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छा मान सकते हैं। यदि 2 संख्याओं का जो एचसीएफ दिया हुआ है, अभी हाल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, एचसीएफ दिया हुआ है 13, इनका लघुत्तम यानी एलसीएम दिया हुआ है 273, तो आपको बताना है
संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए मैं बिना बताए भी आपको इसका आंसर बता सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ यानी एचसीएफ का फैक्टर आएगा, और मुझे एक ही एचसीएफ का फैक्टर दिख रहा है 130, बाकी मुझे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ फिर भी कैसा होता है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था, संख्याएं दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आई होप सब कुछ क्लियर है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ ये आपका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। अब लिख लेते हैं इसको, तो संख्या मान लेते हैं x और y मान ली मैंने, यानी 13x इंटू 13y, और ये आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ 13 इंटू 273, ये 13 से 13 कट गया आपका, और इसको काट लेते हैं x इंटू y की वैल्यू आपके पास आई है 13 × 26 और 13 × 13। अब x और y की ऐसी वैल्यू बताना आपको जिसका फैक्टर सिर्फ एक ही हो, मतलब एक ही फैक्टर हो, तो कैसे कर सकते हैं, दो फैक्टर होंगे इसके 7 × 3। आई होप ये चीज आपको समझ में आती होगी कि सिर्फ एक ही फैक्टर हो, मतलब का कोई भी और अभाज्य गुणनखंड ना निकले, बस आप गुणा कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिए, तो आपके पास ये संख्या आ गई 13x प्लस 13y। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 13 कॉमन लिया मैंने, x ये आपका x की वैल्यू या y की वैल्यू मान लीजिए, तो आपके पास 7 + 3 यानी आपके पास हो गई 130। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से ना करना चाहें तो मैंने आपको एक और तरीका बता ही दिया, एग्जाम में आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन डील करना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान लेते हैं, ये आपका प्रायिकता और आपका नंबर सिस्टम दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है अगर आपने नहीं समझा है तो। देखिए आपको 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 अंकों की संख्या बनानी है, और कोई भी अंक कितनी बार रिपीट हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, और आपको संख्या जो बनानी है वो है ना 5 से विभाजित भी होना चाहिए, 5 से विभाजित भी होना चाहिए, और उसको प्रायिकता बतानी है कि कौन सी 5 अंकों की संख्या हो सकती है। तो विभाजित का नियम क्या बोलता है, 5 से अगर 5 से कोई संख्या विभाजित है तो जो यूनिट डिजिट है आपका वो क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास कितनी संख्याएं, आपके पास 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी आपके पास 5 ही संख्याएं, और जिसमें से आपके पास कौन कौन सी लास्ट डिजिट हो सकती है, या तो 5 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, 0 इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये संख्या आ रही है 5, ठीक है, ये वाली संख्या आ गई 5, यानी यहाँ पे कितनी एक वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, वो है 5। यहाँ पे आप कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है कितनी बार, तो कितनी संख्या है, कुल 5 संख्या है, यानी 5 यहाँ पे भी 5 संख्या पॉसिबल है, यहाँ पे भी 5 संख्या पॉसिबल है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 में कुछ भी रख दीजिए, ये आपका पॉसिबिलिटी आ गई कि कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी आ रही है कितनी, गिन लीजिए, ये आपकी पॉसिबिलिटी आ गई ऊपर वाली। अब टोटल कंडीशंस कितनी है, टोटल कंडीशन है 5 संख्या, कितनी संख्या बन सकती है, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 5 अंकों से ये इतनी संख्या बन सकती है, और आपकी जो आपका रिस्पॉन्सिव मतलब प्रायिकता है वो कितनी है, ये वाली है, तो आप काट लीजिए, बस बची हुई ये कट गए, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको समझा दिया है, और एक बार और आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखिए आपसे पूछा गया है 5 से विभाजित संख्या बतानी है 5 अंकों की, तो ये आपको 5 अंकों की संख्या है जो 5 से विभाजित हो सकती है, तो 5 से विभाजित होने के लिए नियम है कि या तो यूनिट डिजिट आपका 5 हो या 0 हो, तो मेरे पास संख्या कौन कौन सी है जो जिनसे मुझे संख्या बनानी है, मेरे पास संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 संख्या है, और 5 संख्याओं से ही मुझे संख्या बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ सिर्फ एकमात्र एकलौती संख्या रख सकता हूँ, वो है 5। कौन सी रख सकता हूँ, 5, क्योंकि अगर मैंने कोई भी संख्या लास्ट में रख दी 1, 2, 3, 4 तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे तो कोई भी संख्या रख सकता हूँ, और यहाँ पे कितनी भी बार संख्या यूज कर सकता हूँ, तो 5 संख्या रखी जा सकती है, यहाँ पे भी 5 संख्या रखी जा सकती है, यहाँ पे भी 5 रखी जा सकती है, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या रख सकता हूँ, वो है आपकी एकमात्र 5। और अगर मैं 5 अंकों की कितनी भी संख्या बनाना चाहूँ तो कितनी संख्या बना सकता हूँ 5 अंकों की, तो मैं बना सकता हूँ कितनी संख्या 5 अंकों की, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो आप काट लीजिए बस इसको, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, बाकी सब आपस में कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है, क्योंकि नंबर सिस्टम प्लस
आपका प्रायिकता, दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क है, होमवर्क है, ये आपको करके बताना है, कमेंट करना है इसका आंसर और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप पीडीएफ यहाँ मिल पाए, और टेस्ट सीरीज अगर आप बाय करना चाहें तो हमारी जो रॉयल स्टडी ऐप है वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू और